किस परिवार में आखिर लड़ाई झगड़ा नहीं होता? दोस्तों, भाई का बहन से झगड़ा होता है, माता पिता में झगड़ा होता है, और घर में और भी जो परिवार के सदस्य होते हैं सभी में ज़्यादातर झगड़ा हो ही जाया करता है। कौन सा ऐसा परिवार है जिस परिवार के अंदर कोई कलेश ना होता हो? दोस्तों, इसी कलेश से संबंधित आज की यह घटना है। एक पति को मारने के लिए एक पत्नी ने अपने गुप्तांग में लगाया जहर और उसके बाद अपने पति को मारने की कर दी प्लानिंग। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक रोहन नाम का लड़का रहा करता था और उसके साथ उसकी पत्नी रहा करती थी। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। दोनों पति पत्नी अपने घर में आराम से मिलजुल कर रहा करते थे। उनके घर वाले भी बहुत खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कुछ समय शादी के गुजर जाने के बाद उसकी पत्नी, जिसका नाम मंजली होता है, जिसकी उम्र होती है 23 साल और रोहन की उम्र होती है 24 साल, तो दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि मंजली किसी और से प्यार किया करती है और उसकी शादी रोहन से कर दी गई है, तो उसको यह बात पसंद नहीं है। वह रोहन से लड़ाई झगड़ा करने के बहाने ढूंढा करती है, लेकिन रोहन बड़ा ही सौम्य स्वभाव का है, बड़ा ही सहनशील है, वह उससे लड़ाई झगड़ा किया नहीं करता है। वो जितना भी लड़े वह हंस करके उसकी बात को टाल दिया करता है, और जब मंजली रूठ जाती है तो रोहन उसको मना भी लिया करता है। तो मंजली परेशान हो जाती है कि मैं इससे इतना लड़ती हूँ लेकिन यह तो मुझसे वापस लड़ता ही नहीं है, मुझे कोई बहाना मिल ही नहीं रहा है इससे छुटकारा पाने के लिए। तभी दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद मंजली चलती है एक खतरनाक चाल, और वह चाल क्या होती है, वह सोचती है कि मैं बाजार से जहर लाऊंगी और अपने गुप्तांग में जहर लगाऊंगी और फिर इसके साथ संबंध बनाऊंगी तो यह मर जाएगा। दोस्तों, यह चाल चलने के लिए मंजली बाजार जाती है, वहां से एक जहर की शीशी खरीद कर लेकर आती है और घर आकर के वह अपने गुप्तांग में अच्छी तरह से उस जहर को लगा लेती है और रोहन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहती हूँ, 2 मिनट तुमसे बातें करना चाहती हूँ, तुम मेरे पास बैठो। रोहन उससे पहले तो मना करता है कि नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मंजली उससे ज़बरदस्ती करती है, उसे अपने पास बिठाती है और उससे कहती है कि मेरे साथ संबंध बनाओ। रोहन मजबूर होकर के उसके साथ संबंध बनाने लगता है। तभी रोहन उसके गुप्तांग को देखता है तो उसमें से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। यह देखकर वह मंजली से कहता है कि ये क्या है, दुर्गंध कहाँ से आ रही है। मंजली बात को आई गई कर जाती है, लेकिन रोहन सतर्क हो जाता है, उसका माथा ठिनक जाता है, वह उससे संबंध नहीं बनाता है, वह दूर बैठ जाता है। दोस्तों, थोड़ी देर में मंजली तड़पने लगती है और मंजली बेहोश होने लगती है। जैसे मंजली बेहोश होने लगती है, रोहन उसको जगाता है, उसके मुँह में से झाग भी आने लगते हैं। दोस्तों, रोहन परेशान हो जाता है, मंजली को उठा करके हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं इसने अपने गुप्तांग में जहर लगाया हुआ है और तुमने देर नहीं की, यह सबसे बड़ी बात है, अगर तुम देर कर देते इसे लाने में तो यह आज जिंदा नहीं होती। दोस्तों, मंजली बच जाती है, उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है और फिर रोहन उसको घर ले आता है। तो जिस आदमी को वह मारना चाह रही थी अपने किसी प्रेमी के लिए, उसी आदमी ने उसकी जान बचाई हंसते हंसते। अगर रोहन उसको समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जाता तो मंजली आज जिंदा नहीं होती। तो दोस्तों, हमारे रिश्ते क्या क्या कहते हैं, रिश्तों में खटास हो जाती है, रिश्तों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को जान से मार दें, किसी को जहर दे दें, किसी से उसका जीने का अधिकार छीन लें। लड़ाई झगड़े अपनी जगह पर होते हैं, दूसरे का जीवन अपनी जगह पर है। तो मंजली ने जैसा किया था, उसने मारना तो अपने पति को चाहा था, लेकिन उसने इतना तनिक भी नहीं सोचा कि मेरा भी तो शरीर है, मेरे शरीर पर भी तो जहर का असर हो सकता है। ये पर्दा उसकी आंखों पर पड़ गया था, वह अंधी हो चुकी थी दूसरे के प्यार में। तो दोस्तों, आप इस घटना से क्या कहना चाहते हैं? क्या रोहन को अपनी पत्नी को बचाना नहीं चाहिए था, या फिर रोहन ने सही किया, उसकी पत्नी मंजली ने सही किया था या गलत किया था? उससे छुटकारा पाना चाहती थी लेकिन वह छुटकारा दे ही नहीं रहा था। मंजली उससे लड़ती थी, वह फिर भी उसे प्यार से गले लगा लिया करता था। तो क्या रोहन की गलती थी यहाँ पर? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, पति पत्नी का संबंध बड़ा ही पवित्र होता है अगर माने तो, और पति पत्नी का संबंध बड़ा भयावह भी हो जाता है कई बार, जब दिलों में और रिश्तों में खटास हो जाती है। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और दूसरे से बदला लेने की फिराक में किसी के जीवन की बलि ना चढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।